बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत, उवैस बात कर रहा हूँ, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात हुई आपसे। जी जी जी। अच्छा हजरत, वो कैफियत ये है कि सलातो सलाम पढ़ता हूँ तो रोजाना जो है आपकी दुआओं की बरकत से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। पहले मैं 500 दफा पढ़ता था तो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1000 दफा करो। फिर मैं एक टाइम पढ़ता था रात के टाइम पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिन में एक सुबह में करो और एक शाम में करो। और आपको जो है काफी दफा उन्होंने सलाम अर्ज किया है, तो एक दफा ये किया है कि जिसने जिसने आपको देखा उसने मुझे देखा। और आप जो है इत्तबाए सुन्नत और शरीयत के पाबंद हैं, और जो आप जो सलाम का जो जवाब अर्ज करते हैं तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो हजरत ये पूछना था कि ये क्या ये हुजूरी का मुकाम है? तो और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और आपकी निगाह करम की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, ये तो ऐसी बातें कर दी हैं कि क्या बोले। अल्लाह अकबर। अवैस मियां माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्रा नवाजी है कि वो इस कदर जो है उनकी शफकत मुझ पर और इस अंदाज से उन्होंने मेरे लिए हौसला अफजाई के अल्फाज जो है बयान फरमाए हैं। ये बड़ों की हौसला अफजाई के अल्फाज ये हैं जो मुझे जो जर्रा खाक के लिए, तो अल्लाह तबारक व ताला जर्रे को आफ्ताब बना दे, तो ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत रहमत से बईद नहीं है। हम उम्मीदवार हैं ज़रूर जर्रे को आफ्ताब बनाए। तो बाकी है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो चीज़ें मुझे मेरे हवाले से जिक्र किए हैं, अल्लाह उनको बाय से बरकत बनाए और मुझे वाकई इत्तिबाए सुन्नत और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत का सलीका नसीब फरमाए। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ अल्लाह अल्लाह के रसूल तो हमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन हमें उनसे मोहब्बत करने का सलीका नहीं आता। हम जो ऐसी बेतमीज़ियाँ कर जाते हैं कि उनकी शान के जो है वो के मुनाफी होती है वो मोहब्बतें, हमें मोहब्बतें करनी नहीं आती। मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के हबीब के साथ जो मोहब्बत का सलीका मुझे भी सिखा दे जैसे वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे एजाज़ देते हैं। और मेरे बारे में आप हजरात जैसे लोग जो हुजूरी के मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तकमील नहीं हुई लेकिन हुजूरी के मकाम की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला इस तरीके से बशारतें देते हैं। इसी तरीके से इंडिया में वो मजनू जो हैं हमारे उनको हुजूरी के मकाम अल्लाह ने नसीब फरमाया, वो इसी तरीके से बशारतें देते हैं। तो ये चीज़ें तो बस मेरी कैफियत बदलने वाली हैं, तो अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है सलातो सलाम की आप पाबंदी रखें, इंशाल्लाह आप इस मैदान में आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।